द्वापर युग में महाभारत कालीन जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसको देखा, देखा ना। और कलयुग तक जितनी घटनाएं हुई उन सबको आज मैं सुनाता हूं। आप देखिए द्वापर युग से कलयुग तक। देवरा बाबा सत्यम शिवम सुंदरम। मैं धर्म हूं, हिमालय की कंदराओं से आपको करवाऊंगा संत दर्शन, सत्य और तथ्य के अमृत कलश से दिलवाऊंगा तृप्ति। देखते रहिए दस्तक जिंदगी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक जिंदगी। आज हम आपको देव ऋषि देवराह बाबा के जीवन के बारे में मुख्य बिंदुओं के द्वारा आपको उनका जीवन परिचय कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देवराह बाबा का जन्म गर्भ से नहीं हुआ था। जो प्रमाणित जानकारी है मैं उसके आधार पर कहता हूं कि उनका जन्म सरयू जल में, सरयू सुना है ना, ये हमारी देश की नदियां हैं, हमारी माताएं हैं, तो सरयू जल में उनके जीवन का जो मानव देह थी उसका निर्माण हुआ। और एक बात और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सारे भक्तों से बात की है, उन सब में एक बात निकल कर आई है कि उनकी जो देह थी वो योगिक थी। मानव देह जरूर थी लेकिन योग के द्वारा जो देह धारण की जाती है और वो देह मात्र देवता कर सकते हैं। तो मैं उन्हें देव ऋषि कहता हूं, आपको भी इसमें कोई शंका नहीं होगी। और जब उनकी मानव देह लीला शुरू हुई तो पहला बिंदु मैं आपको बता दूं कि 10वीं शताब्दी में उन्होंने गुरुदीक्षा ली और उनके गुरु थे परम पूज्य श्री, जितने भी लगाए 1008 भी कम होते हैं, ऐसे देवताओं के जो गुरु होते हैं, तो उनका नाम रामानुजाचारी था। उन्होंने उनको जो दीक्षा दी, देवता परिपूर्ण होते हैं लेकिन जब मानव देह लीला करते हैं तो फिर ऐसा होता है, तो उन्होंने उन्हें जो दीक्षा दी वो एक लंबे युग तक भारत को निर्देशित करने का। क्योंकि तपस्वी जब जीवन जीता है, संत जब जीवन जीता है, तो वो एक रास्ता छोड़ जाता है और रास्ता छोड़ गए देवराह बाबा सदियों से। एक पत्रकार ने पूछा था कि आप आयु के बारे में एकदम सीधा प्रश्न करना बहुत मुश्किल काम होता था पत्रकार के लिए भी, तो उन्होंने पूछा था कि महाभारत के समय आपके कौन कौन था साथ में या आपने क्या देखा, तो उन्होंने बताया था कि ये वृक्ष हैं, ये हमारे उस समय के साथी हैं, बहुत सारी बातें बताई थी। तो आप ये मान के चलिएगा कि महाभारत कालीन शरीर तो था ही था उनका। तो उनकी जो जीवन शैली थी वो बहुत ही कठिन थी। आप जलधारा के निकट मचान पर रहते थे, पूरा जीवन मचान पर रहते गुजरा, सदियां गुजर गईं, जलधारा है उसके पास में मचान बना हुआ है, आप मचान पर ही रहते थे, आप स्नान के लिए केवल नीचे आते थे। आप उनके वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल कमर टेढ़ी है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि अगर उसे मानव देह में समझें तो बेहद पीड़ा, लेकिन पीड़ा कैसे हो सकती है, वो कभी बीमार नहीं हुए, कभी कोई औषधि नहीं खाई, ये पुस्तकों में वर्णित है। तो पूरा जीवन वो जलधारा के निकट मचान बनता था और मचान पर रहते थे और फिर दूसरी जगह भी रहते थे तो वहां पर भी जलधारा जरूर होती थी।
एक विशेष बात थी। वहीं भक्त आते थे, उनके वहीं रहते थे, बातें करते थे और आशीर्वाद लेकर चले जाते थे। सम्मान की दृष्टि से हम आपको बताएं कि विश्व में एक ऐसे संत, भारत के संतों का पूरे विश्व में सम्मान हुआ है, आपकी लंदन हॉल ऑफ कॉमन्स में 1990 तक चित्र लगा रहा, अभी मुझे लेटेस्ट पता नहीं, लेकिन 1990 तक लगा हुआ वहाँ पर देखा गया है। और ये बात मैं आपको बताते हुए स्वयं को गर्व महसूस कर रहा हूँ। आपका गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है। कुंभ के मेले में 65 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने दर्शन किए थे। आपने जो लोग शरीर संरचना ऋषि होते हैं तो वो एक से दो शरीर शरीर जितने भी चाहें उतने रख लेते हैं, तो लेकिन वो होता क्या है कि कोई बनारस में है तो कोई इलाहाबाद में है, कोई मतलब किसी और क्षेत्र में है, एक साथ नहीं। लेकिन आपने हरिद्वार में एक साथ दो शरीर रखकर दोनों शरीर साथ साथ में दर्शन दिए थे वहाँ पर, और वहाँ पर लाखों लोगों ने वो दो शरीर के भी एक साथ दर्शन किए थे। मित्रों, ये चीजें मैंने आपको वो बातें बताई जो देवरा बाबा का लोग कहते कि यहां जन्म हुआ, यहां पिताजी थे, यहां पर ये हुआ, ये ऐसा जो बताते हैं वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि साहित्य और शिष्यों में जो बातें हैं वो महाराज जी ने तो स्वयं भी कही हैं, और मैं उन बातों को आपको बता रहा हूं। महाराज जी भोजन क्या करते थे, उनके व्यक्तिगत उसमें जीवन में मैंने आपको जन्म बताया, जिंदगी कैसे गुजर रही है, तो भोजन क्या करते थे। देवराह बाबा देसी काली गाय उसको 200 ग्राम दूध लेते थे, केवल 200 ग्राम दूध। हालांकि खाते कुछ भी नहीं थे, कोई चीज नहीं खाते थे, और वो मुझे लगता है कि जैसे ये पंचामृत लिया जाता है बिल्कुल उसी उसमें उसी भावना से वो लेते थे, क्योंकि उनको खाने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, कि उन खिचड़ी मुद्रा में वो प्रवीण थे। खिचड़ी मुद्रा जानते हैं ना, कभी विस्तृत बताऊंगा आपको, लेकिन खिचड़ी मुद्रा के बारे में केवल इतनी बात बता दूं कि प्रकृति के जो तत्व होते हैं, प्रतीक जो शक्तियां होती हैं प्रकृति में, उनसे वो अपना शरीर को तो भोजन चाहिए, चाहे ऋषि का शरीर हो चाहे आम आदमी का शरीर हो, तो उसे भोजन चाहिए, तो हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन जो संत होते हैं उनके जो प्रकृति होती है, सूर्य भगवान हैं, चंद्र हैं, जल में जो मौसम में जो नमी है, मौसम में आप जानते हो पानी भी रहता है साथ में, नहीं जानते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो एयर कंडीशनर लगता है ना, आप रूम में लगाइएगा, और रूम में जब लगा है और जब वो भाव ठंडक देता है तो उस समय वो जल खींचता है नमी से, नमी में तो जल रहता है। तो इन प्रकृति के तत्वों से संत जिन्हें खिचड़ी मुद्रा आती है वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन वो जो एक भक्त ने स्पष्ट लिखा है, बातचीत की है, उनके शिष्य रहे हैं, उन्होंने बताया कि 200 ग्राम काली गाय, आपको वो दुर्लभ देसी काली गाय, तो दुर्लभ तो कुछ नहीं है संत के लिए, वो साधन उपलब्ध होते हैं, तो 200 ग्राम दूध लेते थे। श्रीफल का रस उनको पसंद था। आप वस्त्रों के उसमें उनके पास केवल एक मृगछाला थी, सदियों तक चलने वाली मृगछाला, कभी बदली नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं। वैसे आप दिगंबर रूप में रहना पसंद करते थे और दिगंबर ही रहे, लेकिन अगर वस्त्र के नाम उनके पास रहता था कुछ तो मृगछाला रहती थी। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब आप स्नान करते थे तो जहां हमेशा जलधारा के निकट रहते थे तो उसमें जाकर स्नान करते थे, तो उस समय विश्व में जितनी नदियां हैं उन सब नदियों का थोड़ा थोड़ा जल आ जाता था उनके आसपास, और फिर उन आप देखिए प्रभु लीला है और देव है, सब कुछ संभव है। ये सब चीज़ें मैं आपको उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहा हूँ।
ये प्रमाण हैं। और एक और बात बताऊं कि वो प्रसाद जब देते थे मंच से, मचान पर रहते थे ना, तो वहां कुछ नहीं होता था उनके मचान पर, लेकिन वो खाली जगह में हाथ रखा, हाथ बढ़ाया और जो चाहा फल आ गया, मिष्ठान आ गए, मेवा आ गए और वो भक्तों को दिया करते थे। ये तो सबने देखा है। जो और बातें बताई उनमें कुछ लोग, ये हो सकता है कि एक बार वो शोध का विषय बना लें, उसे शोध का विषय भी बनाएंगे तो पक्का वही पाएंगे, क्योंकि मैं आपको जो कुछ सुना रहा हूं वो उनकी कृपा से और उनके शिष्यों से और उनके साहित्य से, जो बिल्कुल सही चीज है वो मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल कोई TRP बढ़ाना या कोई और चीज हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल उद्देश्य है कि अगर मैं संत की बात कहता हूं आपसे तो सत्य जाए, सत्य के अलावा हमें कहने का कोई मतलब, मुझे एक तरह से ये कहिए कि मैं डरता हूं कि मुझे पाप लग जाएगा, तो उस पाप से मैं बचना चाहता हूं। मित्रों, बड़ी जानी मानी हस्तियां, बहुत जानी मानी हस्तियां आपकी भक्त रही हैं। मैं आपको, हम अपने देश के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, अभी तक के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अब तक के राष्ट्रपति हैं, वो सब उनकी शरण में गए हैं। प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले अनेकों मंत्री, मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी का एक परिवार का उदाहरण मैं देता हूं आपको, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब महाराज जी के दर्शनों के लिए गए हुए। लखनऊ के नवाब उनके शिष्य, जॉर्ज पंचम जब भारत में आए तो उनके दर्शन के लिए गए थे। नेपाल नरेश की 18 पीढ़ियां, जो अभी जो नरेश हैं उनके 18 पीढ़ी से पूर्व की, वो बताते हैं कि हमारे पूर्वज आपके शिष्य रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, बूटा सिंह को ले लीजिए, नेता सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिएगा, विनोबा भावे को ले लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिएगा, चंद्रशेखर जी को ले लीजिएगा, मुलायम सिंह यादव, जो लोग अभी जिंदा हैं कुछ लोग उनमें से, मुलायम सिंह यादव को ले लीजिएगा। इतने नाम हैं कि यदि मैं आपको गिनाने लगूं तो शायद पूरा समय मेरी जिंदगी कम पड़ सकती है, इतने नाम हैं। तो आप समझ लीजिए कि 65 लाख लोग एक बार में दर्शन करते हैं देवरा बाबा के, तो उनके नाम हम कैसे ले सकते हैं। ये मैंने कुछ नाम इसलिए ले लिए कि आप भी उन्हें जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूँ, उन्हें नाम से जानता हूँ, तो वो मैंने आपको नाम ले लीजिए। कुछ घटनाएं मैं आपको बता दूँ। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा उदाहरण है अभी के समय में, पहले के समय में क्या क्या रहे होंगे सब कुछ नहीं हम बता सकते। तो इंदिरा गांधी जब सत्ता से बाहर हुई, दोबारा चुनाव जब कराए गए तो बहुत परेशान थी, विकट स्थितियों में वो सत्ता से बाहर हुई थी, उन स्थितियों को सब आप जानते हैं। तो जब वो चुनाव के दरमियान बहुत परेशान थी तो फिर पहुंची देवराह बाबा के पास और रात के 11:30 बज रहे थे। देवराह बाबा से जब भेंट होती, मैंने अन्य अंक में भी आपको बताया है, तो देवराह बाबा से भेंट होती है तो उस दिन का वाक्या जो था, जो देवराह बाबा ने कहा उनसे, वो एकदम सन्न करने वाला था। उन्होंने कहा, तेरा बच्चा, तेरा समय समाप्त हो चुका है राजयोग का। इंदिरा गांधी व्यहल हो गई थी, आंखों से आंसू आने लगे, बहुत परेशान, और वो साष्टांग प्रणाम करके एकदम उसी मुद्रा में रह गई और बोले कि अब महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिएगा। देवों में सब शक्ति होती है, कहते हैं कि तकदीर का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। देवरा बाबा ने असीम कृपा की उन पर और उनसे कहा, जाओ गंगा बच्चा, गंगा मैया की शरण में जाओ हरिद्वार में, और 7 दिन तक स्नान करो। गुप्त सूत्र बताते हैं, विश्वस्त सूत्र, कई रिकॉर्ड भी होगा, वो रिकॉर्ड मुझे देखने को नहीं मिला। इंदिरा गांधी ने 7 दिन तक हरिद्वार में
स्नान किए थे। और कहा तो ये भी जाता है कि देवराह बाबा पैरों से देते थे, पैर मचान पर बैठे हैं, कोई भक्त आया, बहुत चित्र है, चंद्रशेखर जी का चित्र है, अशोक सिंगल का चित्र है, बूटा सिंह का चित्र है, ये चित्र जो मैंने देखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र है, मचान पर बैठे हैं और उनका पैर नीचे कर दिया, सिर पर आ गया, बात अधूरी रह जाएगी, तो क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और जब कहता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रसंग है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि संत का जीवन एक जगह कर देना मानव देह में संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ उनकी कृपा से। तो इंदिरा गांधी को उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया था, और जिसे उन्होंने अपनी पार्टी का, कांग्रेस आई जो उनकी पार्टी है, तो उसका जो है चुनाव चिन्ह बना लिया था उसको। तो देवराव बाबा ने जब उन्हें आशीर्वाद दिया तो आप सबको पता है कि भारी बहुमत से, है ना, सत्ता में आई थी, और जो राजयोग का कहते हैं कि समापन हो गया था वो संभव कर दिया था। मित्रों, बड़ी घटनाएं हैं। बूटा सिंह का एक प्रसंग मैं और सुना देता हूं। यहां पर बूटा सिंह के पास फोन जाता है, और वो बूटा सिंह जब फोन अपना रिसीव करते हैं तो इधर से कहते हैं, देवराह बाबा, बच्चा देवराह बाबा बोल रहा हूं। तो देवराह बाबा जब उनका जानते थे, देवराह बाबा के मचान पर न फोन होता है, न बिजली होती है, न कोई सुविधा होती है, वो तो संत है। उनका आप कैसे फोन पर बोले, ये सब इच्छा से हो जाता है ना। तो इच्छा से सब कुछ संपन्न कैसे होता है, ये तभी होता है जब शक्तियां होती हैं, और देवराह बाबा के पास बहुत शक्तियां हैं। और एक बात बता दूं आपको, देवराह बाबा हमारे क्षेत्र में सब लोग देवराह बाबा के नाम से जानते हैं, साउथ में, दक्षिण भारत में आप चले जाएं तो उनका नाम हो बिल कृपा कन्नाचार्य के नाम से जाना गया है। क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, लेकिन देवराह बाबा के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए जहां संत की महिमा पर प्रश्न लगाने वालों की कमी नहीं रही। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति आपके दर्शन करने पहुंचता है और वो ये कहता है कि साहब हमको ये सब आस्था नहीं है, मैं तो वैज्ञानिक हूं और विज्ञान की बात को जानता हूं। उन्होंने कहा, बच्चा तू विज्ञान की बात को जानता है, अच्छा क्या जानता है, विज्ञान ने क्या किया है? उसके मुंह से निकला कि विज्ञान ने पेट्रोल बनाया, पेट्रोल से वाहन चलते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, पेट्रोल तो हमारे एक कहा के वो शब्द में नहीं कहना चाहता कि उनके मतलब पेशाब में भी आता है। उन्होंने कहा कि एक भक्त खड़ा था, उससे कहा कि तू ऐसा कर, सबके सामने एक कपड़े पर पेशाब कर दे। उसने पेशाब कर दी, उस वैज्ञानिक से कहा कि देख ये पेशाब नहीं है बच्चा, ये पेट्रोल है। उसने कहा, पेट्रोल कैसे हो सकता है? उसने तुरंत तेली जलाई और जैसे ही उस कपड़े को जिस पर उसने पेशाब की थी, एकदम पेट्रोल भप से जल गया। तो ऐसे लोग भी आए उनके पास, बहुत सत्ता के करीब रहने वाले। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां वो रहते थे उनके आश्रम में, बबूल के मईल आश्रम है, वहां बबूल के बहुत पेड़ हैं, या जहां भी मचान लगता था अगर बबूल का पेड़ है तो उस पर कांटे नहीं होते थे, है ना संभव बात, बबूल हो और कांटे ना हो। हाँ, ऐसा ही होता था। जहां वो रहते थे किलोमीटर की दूरी में सुगंध
फैल जाती थी अपने आप। वो कोई ऐसा नहीं था कि अगरबत्ती लगा दे या कोई सुगंध का छिड़काव कर दे, ऐसा नहीं, उनके हुआ होने मात्र से वो क्षेत्र सुगंधित हो जाता था। मैंने आपको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात सुनाई और मैं आपको आज की बात सुना रहा हूं। उन्होंने राम मंदिर के लिए ये घोषणा कर दी थी कि बड़ी शांति से बनेगा, पूरे विधि विधान से उसका निर्माण होगा, भव्य मंदिर बनके तैयार होगा। और आप देख रहे हैं, आपने देखा कि 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री ने उसका भूमि पूजन किया, तो मंदिर भी बन रहा है। ये बहुत पहले, और एक बात बता दूं मैं आपको कि बाबरी मस्जिद का जब ढांचा गिराया गया था तो उसमें जो FIR हुई थी उसमें 16वें नंबर पर देवराह बाबा का भी नाम है, वो भी अभियुक्त तो बनाए गए हैं। विडंबना है, या यूं कहें कि सत्ता के जो संचालक होते हैं उनकी भी बुद्धि फिर जाती है, तो उसका भी एक बड़ा उदाहरण है। जांचें चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, कर लो जांच भैया, वो तो चले गए, है ना। तो ये सब चीजें चलती रहती थी। एक चीज और बता दूं मैं कि उनके क्षेत्र में, उनके जो क्षेत्र होता था रहने का, जलधारा के पास रहते थे, मगरवंश तो वैसे ही हिंसक होता है, जो भी जलीय जीव जंतु थे वो हिंसक, अगर महाराज जी के क्षेत्र में आ गए, देवरा बाबा के क्षेत्र में आ गए तो हिंसा करना भूल जाते थे। वन में जब मचान लगता था तो सिंह और जो जो हिंसक जानवर हुआ करते थे वो वहां भूल जाते थे अपनी हिंसा को। ऐसा होता था। और आपको बता दें एक और व्यक्तिगत बात, देवरा बबा सुबह 4 बजे से दर्शन देना शुरू करते थे और रात के 12 बजे तक दर्शन देते थे भक्तों को। कोई आराम नहीं, कोई ब्रेक नहीं, मचान पर बैठे हैं, भक्तों से बातें कर रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, बात करते थे प्रेस से बहुत अच्छी तरह से, तभी तो वीडियो है आजकल उनके, और सच्चाई जो उनके मुख से है। तो कभी कभी कुछ लोग अपनी बात बताते हैं तो उन जो वीडियो में देवरा बाबा बोल रहे हैं उसको काट देते हैं। मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि आप संत की बाड़ी, संत के विचार, संत के गाथाएं जरूर गाएं, लेकिन सच्ची, ठीक है ना, निवेदन कर सकता हूं मैं। मैं उनके समय के बारे में बता रहा था कि 4 बजे से रात के 12 बजे तक वो दर्शन देते थे, 12 बजे के लगभग वो स्नान भी करते थे। अब जब स्नान करते थे तभी मंच से नीचे आते थे और 12 बजे से 3 बजे तक जो उनके शिष्य होते थे उन्हें योग की शिक्षा दिया करते थे। अब सोते कब थे, पूजा कब करते थे, आप जानते हो ना, सोने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो देव थे और देव हैं, और देवता मानव देह लीला समाप्त कर लेते हैं लेकिन उनका देवत्व हमेशा काम करता है। एक बात बता, उन आकाश मार्ग से कहीं जाना है तो चले जाते थे। आपके बाल जो है ना, कभी एकदम काले हो गए, कभी सफेद हो गए, कभी खिचड़ी जैसे, खिचड़ी जानते हो ना, नहीं जानते, कभी सफेद और काले बालों का जो सम्मिश्रण से बाल होते हैं कभी वैसे हो जाते थे। आपने सन 1972 तक जो सूत्र बताते हैं कि कभी वाहन का प्रयोग नहीं किया, 1972 तक युग गुजर गए आपने, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम आपसे बता रहे हैं और उन बातों में जो तथ्य हैं वो एकदम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। जैसे शिवरात्रि हुई और शिवरात्रि को देवरा बाबा की जो जटाएं थी उसमें से जल निकलने लगता था। जल किनकी जटाओं से निकलता है, महादेव की जटाओं से। तो ये सब चीजें साक्षात लोगों ने देखी हैं, लोगों ने महसूस किया है। और भीड़ जब हुआ करती थी तो 1.5-2 किलोमीटर तक जनसभा सी हो जाती थी
और कोई भक्त 1.5 किलोमीटर दूर से अपनी बात कह रहा है तो देवराव बाबा का जवाब उसके पास आ जाता था और उसे स्पष्ट सुनाई भी पड़ता था। कोई लाउडस्पीकर नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, है ना, वहाँ से उन्होंने कहा और वो वहाँ से सुन रहा है। केवल क्योंकि जब देवराव बाबा के सामने भक्त आता था तो वो जैसे आजकल सीटी स्कैन होता है ना, उसमें कुछ छूट जाए, लेकिन देवराव बाबा के में नहीं छूटता था। मित्रों, बड़ी गाथाएं हैं, बहुत गाथाएं हैं, एक एक करके फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन जो मुख्य बिंदु थे, कैसे कह सकते हो आप द्वापर युग से कलयुग की कथा आप कैसे कह सकते हैं इतने संक्षिप्त जीवन में, संक्षिप्त समय में नहीं कह सकते, लेकिन प्रयास किया मैंने। और आज मैं आपको उस बिंदु की तरफ ले चलता हूं जहां द्वापर युग के संत ने, द्वापर युग के देवता ने जो मानव देह रखी, उस देह को त्यागा। वो माह था जून 1990 का। उन्होंने अपने जाने की जो सूचना थी, जो भक्त थे उनके, जो शिष्य थे वहां पर आश्रम में थे, उनमें से कई शिष्यों को बता दिया था कि अब हम जा रहे हैं, हमको ये देह त्यागनी है। कभी कभी जब कोई सदेह कहता है तो बड़ा अजीब लगता है, है ना, उनको भी लगा था। नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उन भक्तों के, भक्तों ने साफ साफ लिखा है कि एक माह पहले उन्होंने बता दिया था कि एकादशी के दिन, जो तारीख 19 जून 1990 पड़ेगी, हम आपसे विदा ले जाएंगे। बड़े प्यार से कहा करते थे, बच्चा बच्चा फोटो ले ले, बच्चा इनका ही फोटो लेना, है ना, ये हमने उन्हें बोलते हुए वीडियो में सुना है। तो उन्होंने जब मानव देह लीला को समापन करने का निर्णय किया तो आप वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन धाम जानते हो ना, यमुना का किनारा है, कृष्ण लीला है, और वो जो स्थल है कन्हैया जी की यादों में, कन्हैया जी की बातों में बहुत प्रिय है, मथुरा वृंदावन ये क्षेत्र। तो उसमें आपने निर्णय लिया, आप आ गए और आपने 11 जून 1990 से दर्शन देना बंद कर दिए। अब 11 केवल देखिए, युगों से जो दिनचर्या थी वो कोई समय नहीं था अपने लिए। देवत्व भी चाहता है कुछ समय, तो उन्होंने कुछ पल लिए, हम तो पल ही कहेंगे उन्हें, कि 11 जून को, फिर भी बताते ऐसा है कि 17 जून में एक इंटरवल किया उन्होंने और फिर भक्तों से मिले और 19 जून 1990 को आप विदा ले गए। आपने सूक्ष्म रूप रख लिया, वृंदावन धाम में आज भी यमुना के किनारे आपकी समाधि है, अभी भी भक्त बड़ी संख्या में जाते हैं और देखते हैं कि द्वापर युग से लेकर कलयुग का एक देव, देवराह बाबा आज यहां चिरनिद्रा में लीन है। चिरनिद्रा, उन्हें निद्रा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चिरनिद्रा हमारे यहां कहा जाता है, और जब सूक्ष्म रूप रख लेते हैं तो हम उसे चिन्हता कहते हैं। तो एक युग का अंत हुआ, कह सकते हैं हम द्वापर युग से कलयुग तक। मित्रों, अति संक्षिप्त कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए देवराह बाबा का एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है। मैं महाराज जी की बड़ी गाथाएं हैं, बहुत गाथाएं हैं, फिर सुनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के द्वारा आप महाराज जी के संक्षिप्त जीवन पर एक नजर डालकर, एक बार इसे सुनकर, पूरे
युग से युग तक की एक गाथा जान सकते हैं। तो आज लेते हैं विदा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो